की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई हुई है। इसी बीच इंदौर में विश्व कल्याण के लिए 15 दिन के महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसका गुरुवार को समापन किया गया है। 13 ब्राह्मणों के द्वारा विगत 15 दिनों से निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा था। इस दौरान लाखों की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया, जिसके बाद गुरुवार को विधिवत हवन के माध्यम से शक्ति देवी और देवादि देव महादेव की प्रसन्नता के लिए आहुतियां नाना प्रकार की औषधियों से दी गई। इस यज्ञ के माध्यम से भगवान से कोरोना महामारी से मुक्त की प्रार्थना की गई। जब भी संकट आए, रोग बढ़े या विश्व स्तर पर कोई बीमारी फैले, तो हमें भगवान महामृत्युंजय की शरण ग्रहण करना चाहिए। इसी श्रृंखला में हमारे मन में भाव आया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने अपने सारे ब्रह्म मंडल से, ब्राह्मणों से चर्चा की कि यदि देश बचेगा तो सब श्रेष्ठ होगा। तो हम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस विश्व की रक्षा के लिए विगत 15 दिवसों से 13 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें, अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। इस महामृत्युंजय अनुष्ठान में सभी यजमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग प्रदान किया, जिसमें श्री रामकृष्ण मंडल, श्री नाथ मित्र मंडल, श्री रंजीत महिला और खंडेलवाल समाज के कई लोग शामिल हैं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।